अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ बन रहे थे जी पराठे, और साथ में चल रहा था नाश्ता। पराठे ताज़ा ताज़ा बन के जा रहे थे और सब नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते में और कुछ नहीं था, बस ऑमलेट है, पराठे हैं, और साथ में है अचार और जी दही। अचार यहाँ पे ये दो टाइप का था, इसलिए दो अलग अलग उनमें डला हुआ है। और जी यहाँ अम्मी नाश्ता कर रही हैं। जी तो नाश्ता कर लिया है और चाय पीने लगे हैं, तो चलते हैं और चाय पीते हैं। लेकिन आज हम अपने फेवरेट स्पॉट की तरफ नहीं जाएंगे चाय पीने, चूँकि अम्मी आई हुई हैं, तो इसलिए अम्मी के साथ बैठ के चाय पीते हैं। अम्मी का नाश्ता भी ऑलमोस्ट डन होने वाला है, तो फिर हम चाय को एंजॉय करते हैं। ये जी बेसन की मिठाई है, अब पता नहीं इसको क्या नाम इसका होगा। मेरी भाभी ने खुद बना के जो है वो मेरे लिए गिफ्ट की है। ये इतनी सी मैं खा चुकी और इतनी मज़ेदार है कि बंदे का दिल चाहता है कि रुके ना। अब इसकी रेसिपी क्या है वो कभी लेके तो फिर मैं खुद भी बनाऊंगी और आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। आज गए थे शॉपिंग पे, जब रास्ते से अलफ़ता से ग्रॉसरी भी की थी, तो पहले मैं उसका क्लिप आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बस नॉर्मल सी थी ग्रॉसरी, जो चीज़ें चाहिए थी उसमें जी है ये फैब्रिक कंडीशनर, जो मैं यूजुअली कपड़ों के लिए भी यूज़ करती हूँ, और साथ में जो है वो सोफ़ा वगैरह जब क्लीन करना हो लेदर का या दूसरा, तो उसमें भी मिक्स करके इसको ऐड करके वो यूज़ करती हूँ। एक कैप जो है ये इसकी ऑल पर्पज़ जो क्लीनर है मैक्स वालों का, एक इसकी कैप ऐड कर दी हूँ, और एक जो है सॉफ्टनर की ऐड करके फिर वो कपड़े के साथ साफ़ करें तो बहुत अच्छी जो है उसके साथ शाइन आती है, फ्लोर भी और सब चीज़ें। ये मैक्स जो ऑल पर्पज़ क्लीनर है, इससे बड़ा अच्छा साफ़ होता है, और इसकी जो है स्मेल वो भी काफ़ी अच्छी है। तो जी एक ये था, और तेज़ाब एज़ यूजुअली हमारे जो पाकिस्तान में है वो इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए एक बॉटल जी इसकी थी, और साथ में केचप थी। जो जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी बस वही वाली मैं लेके आई थी, और साथ में जी ये हार्पिक था। हार्पिक भी आपको पता है आजकल की ये जो टाइल्स हैं उन पे फिर इसके साथ ही स्टेन रिमूव होता है, और जी ये बॉक्स टिश्यू बॉक्स के अंदर लगाने के लिए फिर मैं ये वाले जो रोज़ पेटल का पैक है ये वाला ले के आती हूँ जी। तो उसके बाद है जी ये लेमन मैक्स का डिश वॉश बार, ये डबल पैकिंग में था, ये भी काफ़ी इकोनॉमिकल रह जाता है। और ऑलिव ऑयल स्पेशली ऑयलिंग के लिए, जो विंटर में मैं ये दूसरे सरसों के ऑयल में ऐड करके तो इसे यूज़ करती हूँ। और ये जी आ गया पेपरिका, और इसके बाद ये आ गया थाइम, और फिर जी उसके बाद जो है वो है पुदीना रायता। ये वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बाय किया है, अब देखें इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है, कि दही में डायरेक्ट आप इसको मिक्स कर लें तो जो आपका रायता है वो रेडी हो जाएगा। और जी उसके बाद ये अनारदाना पाउडर मैं लेके आई थी स्पेशली पकोड़ों के लिए, या फिर जब चटनी बनाते हैं धनिया पुदीने वाली उसमें ऐड करने के लिए। और उसके बाद है जी सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जो आता है, मैं यूजुअली वैसे यही यूज़ करती हूँ, प्लेन भी कर लेती हूँ। और उसके बाद जी है ये कोरमा मसाला आ गया, और फिर ये वाले मसाले ऐड करने से ये होता है कि फ़्लेवर जो है वो ज़रा डिफरेंट आपका अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा मैं घर वाले ऐड करती हूँ, और थोड़े से जो हैं वो ये शान के या नेशनल के जो भी हों रेडीमेड ये वाले ऐड करती हूँ। ये कढ़ाही गोश्त आ गया, और जी बिन लाइनर्स थे, और उसके बाद ये एस्टोनिश का आ गया जो किचन क्लीनर है। इससे साफ़ करने से जो चिकनाई आपकी रह जाती है तो वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। मैं सारी चूल्हे के ऊपर तो स्पेशली, और किचन काउंटर पे भी सारा इसका लाइट सा स्प्रे करके तो उसे फिर क्लीन कर देती हूँ, तो इससे ये है कि वो चिकनाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और अच्छी सी इसकी वो एक जो खुशबू आती है बिल्कुल लाइट सी वो आना शुरू हो जाती है। और जी उसके बाद है जी, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज गए थे शॉपिंग पे, ये मैंने थोड़ी सी फ़ास्ट फॉरवर्ड की है, घंटा घर वाली साइड पे गए थे तो वहाँ का मैंने क्लिप जो है आपके लिए रिकॉर्ड किया था,
तो इतना ज़्यादा रश था और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि बस बिल्कुल स्लो स्पीड में जो है ना वहाँ से गुजरना पड़ रहा था। लेकिन खैर पुराने बाज़ार का भी अपना ही मज़ा है, बस आते आते रात हो गई, एनर्जी जो है वो बिल्कुल ही ड्रेन हो चुकी थी, तो फिर बस यूज़ किया तो और ये वापस मौसम आके हो साथ और में मूली भी वाले यहाँ बन पराठे रहे ना थे बन रही है, पराठे, कैसे हो मूली सकता वाले, है? मूलियों को आज हमारे सुनना, मूली किचन वाले में बन पराठे रहे ना मूली बने वाले तो ये कैसे हो पराठे, सकता है। और जी देसी साथ घी के में साथ देसी घी, यहाँ और जी ये पड़ा है ये जी मूलियों का आपको नज़र आ रहा है मिक्सचर, मूलियों का मिक्सर, और साथ साथ और बन रहे हैं जो मूलियों वाले पराठे। मैं तो है पहले से ही वो ऐसे तैयारी नाश्ता करके वो रख साथ लेती में हूँ, टेबल पेड़े भी पे बना बाकी के रख लेती चीज़ें हूँ जो है ताकि वो लग जल्दी चुकी जल्दी थी। से बनते जाएं पेड़े में और यहाँ दिखा खाते रही थी कि जाएं। पेड़े में पहले से सात ही बना टेबल के पे रख भी लेती हूँ ताकि लग साथ चुका बनते है जाएं और ताज़ा सारा। ताज़ा बन के जाते जाएं और सब जो है वो खाते जाएं। तो यहाँ जी दही जी तो चाय यहाँ आ चुकी है, और आज जो गए थे बाज़ार तो वहाँ से लेके आए थे ये क्रॉक जो मैं आपको दिखाना भूल गई। मैंने ये इसलिए लिया था कि ये साइड पे जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये शायद इसमें छुप जाएं, लेकिन ये मेरा पर्पस पूरा नहीं हुआ। वैसे मैंने बेडरूम के भी अकॉर्डिंग इसको लिया था, अब ये बेडरूम में जाएगा। तो इसके साथ ही आज की वीडियो जो है वो एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।